Good morning, students. Today we are going to talk about education. इस सीन से तो जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे आप। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला रिप्रोडक्शन एक इकलौता चैप्टर होता था ना, जिसे हमेशा हमारे टीचर्स या तो स्किप कर देते थे या कहते थे घर से पढ़ के आना। हमारे स्कूलों में सेक्स वर्ड तक नहीं सुना गया कभी, तो सेक्स एजुकेशन तो दूर की बात है। हमारे घरों में आज भी यही कहा जाता है ना कि बच्चे भगवान की कृपा से पैदा होते हैं या बस हो जाते हैं। जिस मुद्दे पर बात करना एक शर्म का विषय माना जाता है, लेकिन हमारी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, उसके बारे में आखिर हम जानने की कोशिश तो करेंगे। तो हमारा जरिया बनी पॉर्न वीडियोस, सस्ती मैगजीन्स, गूगल, इंटरनेट या हमारे दोस्तों की बताए उल्टी सीधी बातें। सेक्स को हमेशा हमारे समाज ने एक टैबू माना है और इसके साथ ही सेक्स एजुकेशन को भी। इसीलिए इस एजुकेशन को हमेशा हमारे सिलेबस से दूर रखा गया, जबकि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जितना ही जरूरी सब्जेक्ट है। तो चलिए आज FII के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन क्यों जरूरी है। सेक्स को टैबू माना जाता है या एक शर्म का विषय है, तो जाहिर सी बात है जब बात इससे जुड़ी जानकारियों की आती है तो वो अभी छुप छुपा कर ही जुटाई जाएंगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि जो जानकारियां हम जुटाते हैं वे आधी अधूरी हो या गलत हो, जैसे ये किस करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन। आसान शब्दों में कहें तो CSE का मतलब वह है जहां आप क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग के जरिए अपने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जानते हैं, जागरूक होते हैं, यानी अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसका मतलब सिर्फ इंटरकोर्स तक सीमित नहीं है। यहाँ आप जेंडर, सेक्सुअलिटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, सहमति यानी कंसेंट, बॉडीली ऑटोनॉमी यानी अपने शरीर पर आपका अधिकार जैसे अहम मुद्दों के बारे में भी जानते और सीखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जरूरी क्यों है? प्यूबर्टी के दौरान कितने सारे सवाल सामने आते हैं ना, प्यूबिक हेयर क्यों आ रहे हैं, ये पीरियड्स क्यों शुरू हो गए, इरेक्शन क्यों हो रहा है, मेरा जेंडर, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, क्यों हम किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ऐसे कितने सारे सवाल मन में आते थे ना। लेकिन क्या कभी इन सवालों का हमें जवाब मिला? हमेशा चुप ही तो करा दिया गया। इसीलिए जरूरी है CSE, जिसके पास ऐसे ही हजारों सवालों के सही जवाब मौजूद है। CSE के बारे में इंडियन पेरेंट्स का हमेशा एक ही वही घिसा पटा रिएक्शन रहा है। अब स्कूलों में भी बच्चों को ऐसी अश्लील बातें पढ़ाई जाएंगी? जी हाँ, बात जब भी CSE की आती है तो इसे अश्लीलता का टैग ही दिया जाता है। लेकिन जब प्यूबर्टी 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाती है तो क्यों नहीं बच्चों को CSE जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ाया जाए, ताकि वह अपने शरीर के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो सके, इन्फॉर्म्ड फैसले ले सके। सही वक्त पर CSE ना मिलने के कारण ही तो बच्चे, किशोर, युवा अपने शरीर के बारे में गलत जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं, उसी के अनुसार एक्ट करते हैं और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर सही समय पर CSE उन्हें दी जाए तो वह अपने शरीर, अपने जेंडर, सेक्सुअलिटी के साथ सहज हो पाएंगे, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। भारत में क्यों जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है और फिर इसी छोटी उम्र में वे माँ भी बन जाती हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में होने वाली टीनेज प्रेगनेंसियों में 11% टीनेज प्रेगनेंसी भारत में होती है। एक सर्वे बताता है कि 71% लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले ये तक पता नहीं था कि पीरियड्स होते क्या है। एक और रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग ज्यादातर लोगों का पहला सेक्स अनसेफ यानी असुरक्षित ही होता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री बताती है कि ज्यादातर भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेक्स और सेक्सुअलिटी से जुड़े मुद्दों पर बात करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके पास भी सही रिसोर्स और सही जानकारी नहीं होती कि कैसे वे इन मुद्दों पर अपने बच्चों से बात करें। शायद अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन मिला होता तो वो बात कर पाते।
यही रूढ़िवादी सोच हमारे परिवारों, स्कूलों, कॉलेजों से होकर सरकार तक पहुंचती है। तभी तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि स्कूलों से सेक्स एजुकेशन को हटा देना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उनका मसला सिर्फ वल्गैरिटी से था। यही दकियानूसी सोच सीएससी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बात जब हम सीएससी की कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल या उसके सिलेबस की नहीं है, इसमें हमारी कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार, हमारी सरकार, उनकी नीतियों की भी एक अहम भूमिका होती है। जरूरत होती है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्स की जिसकी पहुंच सब तक हो, ताकि वे इन मुद्दों पर चर्चा कर सके एक सेफ स्पेस में, एक सुरक्षित माहौल में। जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे एक इंटरसेक्शनल यानी समावेशी करिकुलम बनाने की। साथ ही आखिर में एक सवाल, क्या अगर हम सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर जैसे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो लोग इसके बारे में जानना छोड़ देंगे? नहीं ना, तो क्यों ना वे ये सारी जानकारियां एक भरोसेमंद सोर्स से प्राप्त करें जहां उन्हें सही जानकारी मिल सके और वो इसके आधार पर एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरसेक्शन मुद्दों पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें FII हिंदी के YouTube चैनल से।